हुकूमत सिंध ने छुट्टियों का ऐलान किया तो परदेसियों ने भी अपना सामान बांध लिया और हफ्तेवार छुट्टियों के बाद 3 रोज कबल ही अपने आबाई शहरों का रुख करना शुरू कर दिया। बस मालकान ने भी ताक करके किरायों में इजाफा कर दिया है। जायज किराए ले रहे, कहाँ से भरेगा गरीब इंसान, कल से परेशान हो रहे, किराया लोग इतना बढ़ा दिया लोगों ने ईद की वजह से। मेरे ख्याल 2000 के किराए कोई पिंडी का तो वो ले रहे, 2500-3000 वो ले रहे। शहरियों का कहना है कि ईद के पुरमुसर्रत मौके पर भी ट्रांसपोर्टर्स माफिया की मनमानियां जारी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मजबूरी होती है सफर करने वाले की, अब वो जितने भी मांगते हैं उतने देना पड़ता है, लेकिन मजबूरी होती है उसमें। मजबूरी का नाम शुक्रिया, अपनों के साथ ईद मनाने की कीमत ही तो है जो ये परदेसी जायद किरायों की मद में अदा कर रहे हैं। इसे ट्रांसपोर्टर जबरदस्ती की ईद ही भी कहते हैं। ईद कुर्बा मनाने और चटकारेदार खानों का अपनों के साथ मजा लेने के लिए कराची से लोग आबाई इलाकों में ईद मनाने जा रहे हैं। कैमरामैन बिलाल हैदर के साथ रबिया खान, 24 न्यूज़ कराची।